हमारे चैनल हाउ टू सीखे के साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल के आइकॉन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू सीखे चैनल पर एक बार आपका फिर से वेलकम करता हूं। अगर आप एक टीचर हैं या फिर एक स्टूडेंट हैं या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको NCERT बुक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा किस तरीके से NCERT बुक्स को हिंदी, इंग्लिश या उर्दू में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। NCERT बुक्स को डाउनलोड करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जो आपके प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद इसके सर्च बार में ऊपर की तरफ टाइप कर लेते हैं ई पाठशाला। और जैसे ही आप ई पाठशाला टाइप करेंगे आपके सामने रिजल्ट ओपन हो जाएंगे और उसमें सबसे ऊपर की तरफ आपको दिखेगा ई पाठशाला, जो NCERT का अपना एप्लीकेशन है और बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और रेटिंग भी 4.4 की है। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, आप इसको यूज़ कीजिए। आपको NCERT के सभी क्लासेस की बुक हिंदी, उर्दू और इंग्लिश वर्जन में मिल जाएंगी। तो इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसलिए यहाँ पर ओपन लेकर आ रहा है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश को सिलेक्ट करता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कैटेगरी अपनी चूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स या एजुकेटर्स। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की कैटेगरी को सिलेक्ट कर देता हूँ। कैटेगरी से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी बुक्स आप आसानी से डाउनलोड करके उनको रीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट को सिलेक्ट कर देता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद आप अपना नाम यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर कोई नाम एंटर कर देता हूँ। और अगर चाहें तो यहाँ पर नीचे कॉलम दिया हुआ है स्टैंडर्ड का, इसमें आप अपना क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्लास सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 12th को कर देता हूँ सिलेक्ट, क्लास 12, उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। और सिलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपने स्कूल का नाम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं केवल ऐसे ही कोई नाम डाल देता हूँ, XYZ डाल देता हूँ केवल। और नाम डालने के बाद यहाँ पर आप राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पर ID जनरेट हो जाएगी। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर कैसे बुक्स को डाउनलोड करना है और कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पर कुछ ऑडियो और वीडियो फाइल्स भी पड़ी हुई हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इन ऑडियो और वीडियोस का भी आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए यहाँ पर कई सारे कॉलम दिए हुए हैं, मैं आपको एक एक करके कॉलम को समझा देता हूँ। पहला जो ये कॉलम आपको दिख रहा है ये है आपका डाउनलोड का ऑप्शन, जो आप डाउनलोड कर लेंगे वो यहाँ पर जाकर सेव हो जाएगा। और जो ये दूसरा ऑप्शन है जो यहाँ पर ओपन हुआ है पहले से, यहाँ पर आप यू बुक को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑडियो और वीडियो सेक्शन को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और ये जो तीसरा ऑप्शन है ये है ब्राउज का, ये कोई ख़ास नहीं है। तो हम आपको बता देते हैं कि आपको ई बुक्स कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर जैसे ही आप यू बुक्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप अपने क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जिस क्लास की बुक्स को यहाँ पर डाउनलोड करना है। आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। और इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां से अपने क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको किस स्टैंडर्ड की बुक्स चाहिए। तो मैं यहां पर क्लास 12 को ही रहने देने वाला हूं। और उसके बाद यहां पर आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज के ठीक सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू दिया हुआ है, इसको क्लिक कर लीजिए। और क्लिक करने के बाद यहां पर तीन लैंग्वेजेस दी हुई हैं, एक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। आप किसी भी लैंग्वेज में बुक्स को रीड कर सकते हैं, यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूं। और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपका सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू दिया हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर केमिस्ट्री को चूज़ करने वाला हूँ, तो केमिस्ट्री पर क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद और यहाँ पर आपके 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री की दोनों वॉल्यूम यहाँ पर शो हो जाएंगे आपके। आप जिस वॉल्यूम को सिलेक्ट करेंगे वो आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर केमिस्ट्री पार्ट 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरी बुक को आप डाउनलोड कर पाएँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑल चैप्टर्स, इसके ठीक सामने एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स पे आपको चेक करना होगा जिससे कि आप पूरे चैप्टर्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर जैसे ही आप चेक करेंगे यहाँ नीचे जितने भी चैप्टर्स हैं उन पर टिक हो जाएगा और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उसको आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पूरी बुक्स को डाउनलोड ना करके केवल एक चैप्टर को डाउनलोड करके हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको एक चैप्टर को
डाउनलोड करना है तो उसके सामने जो बॉक्स बना है उस पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद इस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोडिंग के लिए कहेगा आपसे, तो ओके कर दीजिएगा, और जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पर डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब आपकी नेट की स्पीड के ऊपर है कि नेट की स्पीड कितनी अच्छी है, तो उस हिसाब से आपके डाउनलोड हो जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ, जब ये 100% हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा फिर। तो ये देखिए अब 100% होने वाला है और ये हमारा डाउनलोड हो चुका है 100% पूरी तरीके से। और ये डाउनलोड होने के बाद आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ ये फर्स्ट वाले सेक्शन में पहुँच जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी जो बुक्स यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो ये देखिए इस सेक्शन में यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री पार्ट 1 को मैं क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करने के बाद तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पहले से चैप्टर भी डाउनलोड कर रखा है सॉल्यूशन का, और अभी जो मैंने डाउनलोड किया है वो है द सॉलिड स्टेट, इसको मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये केमिस्ट्री की बुक ओपन हो जाएगी और इसका ये चैप्टर ओपन हो जाएगा, और आप इसको राइट से लेफ्ट की तरफ इस तरीके से मूव कराएंगे तो इस तरीके के इसके पेज जो हैं वो पलटते जाएंगे और आप चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ऐप लगा मुझे, इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो बनाकर शेयर किया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे चैनल पर नए मेहमान हैं उनसे मेरा कहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के बहुत सारे वीडियो हम लाते रहते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, थैंक यू।